हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बाइक के बारे में जो नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी में अपने से भी ज़्यादा बड़ी इंजन कैपेसिटी की बाइकों को टक्कर देती है। इस बाइक में इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक का इंजन आता है, सेम इंजन शेयर करती है वो। इसका नाम है MT15, जो कि इंजन शेयर करती है अपने ही स्पोर्ट्स फेयरिंग वाले वेरियंट R15 से। ये बाइक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बाइक है, जो इतना अच्छा माइलेज देती है, इतनी अच्छी पावर देती है। और ये शायद ये बाइक डायरेक्ट कंपटीशन है MS 200, ड्यूक 200 जैसी नेकेड बाइक्स की। और लगता है सुजुकी की जो बाइक्स आती हैं 250s, जैसे रिक्सा 250 हो गई, ये तो कहीं से कहीं तक इसकी रेंज में आती ही नहीं है, इनको ऐसे ही पछाड़ देती है। अच्छा, ये सब ठीक है, इसके बाद भी ये बाइक ना इतना अच्छा एवरेज देती है, इतनी अच्छी स्पीडिंग, टॉप स्पीड और एक्सीलरेशन के बाद भी शायद ही होगी ऐसी कोई बाइक जो इसके बराबर माइलेज देती होगी। ये बाइक कंपनी क्लेम करती है कि 57 तक का माइलेज देती है। मैं इस बाइक को पर्सनली ड्राइव कर चुका हूँ, मेरे फ्रेंड के पास है, बहुत अच्छे फ्रेंड के पास है। ऐसा लगता है इस बाइक को मैं डेली बेसिस पे भी चलाता हूँ कई बार। ये बाइक अगर आप 60-80 के बीच में चलाएंगे ना, तो ये बाइक आपको 50 तक का माइलेज भी देगी। बस इस बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसकी पिलियन सीट बहुत ज़्यादा छोटी है, इसकी पिलियन सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बट लुक वाइज इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। इस बाइक का एक और राइवल तो नहीं बोल सकते, सेम ही बाइक है ये, इंटरनेशनल मार्केट में आती है, अपने पड़ोसी कंट्री में मिलती है बांग्लादेश में, इसको हम M-Sledge बोलते हैं। M-Sledge में भी सेम इंजन होता है, पर वो कुछ FZ टाइप की होती है, FZ का अपग्रेडेड वेरिएंट लगता है, ऐसा लगता नहीं है वो MT है। बाकी रेयर से देखें तो वो बाइक MT जैसी लगती है, पर हम आज उस बाइक की नहीं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस बाइक का एक्सेलरेशन इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। इसकी टॉप स्पीड यहाँ की R15 से थोड़ी सी कम है, R15 जिसे 155 तक जाती है, ये गाड़ी 144 तक जाती है। और इसमें अभी इंडिया में दो वेरियंट आते हैं, वर्ज़न 1 जो अभी डिसकंटिन्यूड है फिलहाल में, अब इसका वर्ज़न 2 आ रहा है, आप इसको जनरेशन बोल सकते हो, जनरेशन 2 है इस बाइक की यहाँ पर। और सेकेंड जनरेशन में चेंज क्या हुआ है कि इस बाइक में पहले डुअल चैनल ABS नहीं आता था, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं आता था, और USD फोक्स भी नहीं आते थे। तो इस बाइक में पहले USD फोक्स आया, फिर सिंगल चैनल ABS हुई, डुअल चैनल ABS हुई, अब इसका मीटर अपग्रेड हुआ है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आया है। आप सोच रहे हैं 155 cc बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, देख रहे हैं यामा को कितना काम कर रही है अपनी बाइक्स पर यामा। तो आज हम इस बाइक के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन या इसकी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इसमें आता है 155 cc का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, मैक्स पावर है इसकी 18.1 न्यूटन मीटर एट 10,000 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क है इस बाइक का 14.1 nm एट 7,500 rpm। इस बाइक में आपको 47 का माइलेज मिल जाता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको वेट मिलता है ओनली 141 kg। ये बाइक ऐसा लगता है कि प्योर हीवी मशीन है, मतलब कोई अगर ऐसा बंदा जो व्हीली करना नहीं जानता हो तो वो भी इस बाइक को बड़ा इजीली व्हीली कर सकता है। और ये बाइक अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आ रही है, लोग इस बाइक से बहुत ज़्यादा रीलें बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि ये बाइक है ही अभी अच्छी। अच्छा, इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये लगभग इस बाइक का जो बेस मॉडल है, इस बाइक की प्राइस लगभग 1.66 lakhs एक्स शोरूम है। और शायद ये बाइक अभी का तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने जब ली थी तब ये बाइक 198 की उसको ऑन रोड मिल गई थी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। और ये प्राइस वेरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट, जैसे महाराष्ट्र का थोड़ा सा RTO चार्ज ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू सब जगह का, और बाकी जगह का अलग अलग है, तो प्राइस अलग अलग हो सकती है इस बाइक में आपको। अच्छा, और थोड़े से स्पेक्स की बात कर लेते हैं, इस बाइक में आपको USD फोक्स मिल जाते हैं, 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 220 mm का रियर डिस्क मिल जाता है। इसमें आपको रियर टायर 140x70 का R17 मिल जाता है, और फ्रंट टायर 100x80 का R17 मिल जाता है। इसमें 17 inch के व्हील आते हैं। और ये बाइक अगर आप एज अ बिगनर ले रहे हो, और इसके बाद अगर आप कोई बड़ी बाइक में अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये बाइक बहुत अच्छी है। ये बाइक आपको हैंडलिंग बहुत अच्छी देगी, टॉप स्पीड निकाल देगी,
उसके बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो काफ़ी बड़ी बाइक में इससे अपग्रेड कर सकते हो, ये आपको इजी टू हैंडल हो जाएगी। बाकी बिगनर के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है, इसमें सेफ्टी फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे अब आ चुके हैं। पहले थोड़ी सी अनसेफ थी क्योंकि ना इसमें तब जब आई थी तब ABS आता था स्टैंडर्ड, और ना ही डुअल चैनल ABS आता था, ना ट्रैक्शन कंट्रोल आता था, तब तो ये एकदम रॉ मशीन थी। पर ये इंजन शेयर करती है R15 के साथ, और आप जानते हो R15 किस लेजेंड का नाम है इंडिया में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दी वीडियोज़, फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल।